मैंने तो टाइम मांगा था उल्टा सीबी डायरेक्टर साहब से, ईडी डायरेक्टर साहब से और इनकम टैक्स के चेयरमैन साहब से। 13 को टाइम मांगा, 15 को मुकदमा दर्ज हो गया और 17 को रेड हो गई। तो मेरे को तो पता नहीं ये क्या अप्रोच है, ये समझ के परे देखो। और इस प्रकार के जो पहले क्राइसिस आया था हमारे ऊपर पॉलिटिकल, तब भी उनके यहाँ पर ईडी की रेड हुई थी जोधपुर के अंदर। 40-45 साल से ब्रदर अपने काम करते हैं और मैं अपना काम करता हूँ। हमारे परिवार में कभी सिस्टम कभी रहा ही नहीं, और मैं इतना अपना आपको इन्वॉल्व रखा राजनीति के अंदर कि घर में भी शादी ब्याह होते तो मैं वर्कर की तरह जाता हूँ। अब मैं अगर दिल्ली में एक्टिव हूँ या मैं राहुल गांधी जी के इस मोमेंट में मैंने भाग लिया, तो उसका बदला भाई से क्यों लिया जाता है? क्राइसिस सरकार पे आया था यहाँ पर जयपुर में, तब भी ईडी की रेड वहाँ हो गई, जबकि उनको कोई संबंध ही नहीं राजनीति से। उनके परिवार में कोई भी परिवार के सदस्य राजनीति में है ही नहीं। और समझ के परे है कि इस प्रकार के आप पहले छापे डाल दिए आपने ईडी के, अब पहुंच गई सीबीआई, ये समझ के परे हैं। इसको मैं समझता हूँ आम जनता भी इसको लाइक नहीं करती। धीरे धीरे नुकसान बीजेपी को ही है, इस सरकार को ही है। ये जितने ज़्यादा तंग करेंगे लोगों को पूरे मुल्क के अंदर, उतना ज़्यादा ही बैकलैश इनके लिए होगा, मेरा मानना है। नरेंद्र मोदी जी के भाई को नहीं जानता दुनिया के देश के अंदर, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के भाई को जानता नहीं था, उसी प्रकार मेरे भाई को नहीं जानता था। अब तमाम मीडिया चला रहा है, सीबीआई का छापा पड़ गया, उनके यहाँ चला छापा पड़ गया, तो ये परिवार के जो सदस्य हैं उनका क्या कसूर है? आप राजनीति में कोई भाग ले रहा है कोई व्यक्ति, उनके परिवार वाले पे अटैक हो और वो सरकार द्वारा, मैं समझता हूँ उचित नहीं कहा जा सकता। इससे कोई हम घबराने वाले नहीं है। आज मैं आया हूँ, संडे को मैं वापस जाऊँगा, दिल्ली जाऊँगा, मंडे को वापस भाग लूँगा वहाँ पर मोमेंट के अंदर। आप अन्याय कर रहे हो सोनिया गांधी जी पर और राहुल गांधी जी पर। हम बार बार कह रहे हैं कि वो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी हैं, वहाँ का एक रुपया भी सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी नहीं ले सकते हैं चाहते हुए भी। तो जब आप प्रॉफिट ले नहीं सकते उसके अंदर, तो मंदी लॉन्डरिंग कैसे हो गई ये बताएं? तब भी तंग किया जा रहा है, तो ये पूरा देश देख रहा है। इसीलिए लोगों में आक्रोश भी है, कार्यकर्ताओं में भी बहुत भयंकर आक्रोश पैदा हुआ, इसलिए लोग दिल्ली तक आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, देखिए आप, महंगाई बड़ा मुद्दा है, बहुत भारी मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, तनाव है गांव-गांव में। मैं बार बार कहता हूँ, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों के बीच में इतनी बड़ी दरार हो गई है, अविश्वास हो गया, पता नहीं जिसका बस चलेगा वो अटैक नहीं करते हमारे ऊपर। जिसकी संख्या कम होती है वो ज़्यादा डरता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। क्या ये देश हित में है? क्या देश इस प्रकार विकास कर पाएगा क्या, जब आप अशांति रहेगी तनाव रहेगा? तो प्रेम भाईचारा, आपस में मोहब्बत होनी चाहिए। हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी को हम रिक्वेस्ट करें कहने के लिए, मैंने तो हाथ जोड़ दिए प्रधानमंत्री को, मैं हाथ जोड़ता हूँ कि आप अभी जो माहौल देश में बन गया है, कारणों मत जाओ, मान लीजिए नहीं जाना चाहते नहीं जाए, पर कम से कम उनको अपील करनी चाहिए कि मैं चाहूँगा देश में शांति भाईचारा प्यार मोहब्बत से सब रहे और हिंसा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी को कहने में क्या अतराज है? ना प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना गृह मंत्री जी कह रहे हैं, तो पूरा देश सकते के अंदर है, घबराया हुआ है, वो भावना वहाँ तक पहुँच नहीं रही है। मैं समझता हूँ यही बात है, इसलिए बोल नहीं रहे वो। एक दिन उनको ये अपील करनी पड़ेगी देश हित के अंदर। इन हालातों में आप देखिए, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कभी राहुल गांधी जी को ईडी ने अचानक बुला लिया, 8 साल पहले का केस है, अब क्यों बुलाया गया?